बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंटीनेटल केयर एंड इन्वेस्टिगेशन पास्ट पेपर्स। स्टार्ट करते हैं, एंटीनेटल केयर के क्या एम्स होते हैं, क्या मकासद है। नंबर वन, प्रेगनेंसी को ऑप्टिमाइज करना, प्रेगनेंसी के आउटकम को ऑप्टिमाइज करना। नंबर टू, ऐसे फैक्टर को प्रिवेंट, डिटेक्ट या मैनेज करना जो कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं मदर की और बेबी की। नंबर थ्री, एडवाइस करना, रीअश्योरेंस, एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करना। नंबर फोर, माइनर एलिमेंट को डील करना। नंबर फाइव, हेल्थ की स्क्रीनिंग कराना। अब ये जो एम्स है इसको कैसे अचीव करोगे, चार तरीकों से अचीव कर सकते हैं। नंबर वन, कम्युनिटी बेस्ड टीम बनाएंगे जिसके अंदर मिडवाइव्स होगी, जीपीज होगे, कंसल्टेंट होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा जो कि आइडियली नहीं होता। नंबर टू, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट करेंगे जो कि आइडियली नहीं होता। नंबर थ्री, मैटरनिटी यूनिट के अंदर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराएंगे जो कि यूजुअली होता है। और लास्ट में स्क्रीनिंग कराएंगे फिटल एनोमलीज की। ओके, स्क्रीनिंग, स्कैनिंग, कम्युनिटी बेस्ड टीम और हॉस्पिटल विजिट आ जाएगा। इसके बाद प्रेगनेंसी में क्या एडवाइस करोगे। ओके, वैसे कहा जाता है कि आजकल जिसके पास कुछ नहीं होता वो सिर्फ एडवाइस ही करता है, तो प्रेगनेंसी में आपने डाइटरी एडवाइस करनी होती है, एक्सरसाइज की एडवाइस करनी होती है, मेडिकेशन के बारे में एडवाइस करानी होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में एडवाइस करनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में एडवाइस करनी है, लेबर के मैनेजमेंट के बारे में, और कहाँ पर पैदाइश होनी है, हॉस्पिटल में, सीजेरियन सेक्शन या एसवीडी से होनी है। ओके, तो डाइटरी एडवाइस के अंदर आप डाइटरी एडवाइस में क्या क्या चीजें हैं, आपने दो बंदों का खाना एक साथ नहीं खा जाना, डोंट ईट फॉर टू, अपने मील के साइज को मेंटेन करना और स्नैक्स को अवॉइड करना है। नंबर टू, फाइबर रिच फूड्स को ज्यादा लेना है। नंबर थ्री, ओके, स्टार्ची फूड को आपने ज्यादा लेना है। नंबर फोर, फ्राइड फूड या सॉफ्ट ड्रिंक इनको कम से कम करना है। नंबर फाइव, फ्रूट्स वेजिटेबल अच्छे खासे खाने हैं। नंबर सिक्स, वेट गेन को कंट्रोल करना है क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 से लेकर 11, वैसे कहा जाता है 11 से लेकर 16 केजी का वेट गेन हो सकता है, 9 से 11 तो रट्टा मारा हुआ। ओके, वाइटामिन्स और आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं, फोलिक एसिड, कैल्शियम आपने लेना होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ने और स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करना अपने आप को। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से बच्चे का वजन कम हो सकता है, FGR हो सकता है, पेरिनेटल मोर्टैलिटी हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकता है, IUD हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, यानी या तो माँ के पेट में मर गया, या जब पैदा हुआ था मर गया, या फिर बाहर जब रिलीज हुआ तो मर गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है BMI, देखो 29 है, यानी जो BMI ज्यादा होने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन को दो में डिवाइड करना है, बच्चों के अंदर और फीटस के अंदर। ओके, ओब्स के अंदर हमेशा कॉम्प्लिकेशन को दो में डिवाइड करना होता है, मैटरनल और फीटल। मैटरनल में क्या हो सकता है, नंबर वन, आपको ग्रोथ और एनाटॉमी ऑफ फीटस उसकी असेसमेंट डिफिकल्ट होगी क्योंकि बच्चे का जितना ज्यादा वजन होता है ना वो माँ के वजन से कोरिलेट करता है। अगर माँ का वजन बढ़ा है प्रेगनेंसी में तो बच्चे का भी हुआ होगा, जो कि प्रेगनेंट लेडी जो ओबीस में इतना खास देखने को नहीं मिलता होता, तो ग्रोथ और एनाटॉमी का पता नहीं लगेगा। नंबर टू, जितना ज्यादा मोटी होगी उतना GDM होने के, हाइपरटेंशन होने के और वीनस थ्रोम्बोलिज्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। जबकि फीटस के अंदर क्या होगा, फीटस के अंदर डायबिटीज होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, मैक्रोसोमिया हो सकता है डायबिटीज की वजह से, FGR, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकती है। अब बुकिंग इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ओके, जो विजिट होते हैं बुकिंग विजिट, इसमें सबसे पहले फुल ब्लड काउंट या CBC होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन होता है, हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग कराओगे लाइक थैलेसीमिया को, ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग कराते हैं, इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग कराएंगे। ओके, इसके अलावा डेटिंग स्कैन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग करते होते हैं। CBC के अंदर आप हीमोग्लोबिन देखते हैं, प्लेटलेट काउंट देखते हैं, MCV देखते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन, इसके अंदर एसिप्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया को देखते हैं। अगर ये आ गया तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने सिफ्लेक्सिन और कोमोक्सी के लिए इस्तेमाल करानी है, ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। ओके, तो ये RH स्टेटस को चेक करने के लिए, एटिपिकल एंटीबॉडीज को देखने के लिए, हीमोग्लोबिनोपैथी फैमिली हिस्ट्री की बेस पे करते होते हैं थैलेसीमिया के लिए। अब कौन कौन से इन्फेक्शन को आपने स्क्रीन करना होता है, ओके, ठीक है, तो IRBS, ओके, तो BS इज रियल, वैसे इसका निमोनिक है BS इज रियल, BS रियल होती है, बी से हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस इज HIV से, और रियल रूबेला। डेटिंग स्कैन है, डेटिंग स्कैन आप करते होते हैं, ओके, ट्राइसोमी 21, 18, 13 को देखने के लिए, कौन जेनेटल नॉर्मलीज को देखने के लिए। अगर किसी का HP 11 से कम है डैट मीन्स कि वो एनीमिया प्रेगनेंसी है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, ओके, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, आपने MCV कराना होता है, B12, फोलिक एसिड, आयरन स्टडीज करानी होती है। ओके, एक प्राइमरी ग्रेविडी आई है बुकिंग विजिट पर, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, आपने क्या क्या करना है। नंबर वन, आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है, ओके, कर ली आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से। नंबर टू, आपने प्रेगनेंसी की डेटिंग करनी होती है LMP से,
ईडीटी निकाल लिया आपने, फिर डेटिंग आपने अल्ट्रासाउंड से करनी होती है, फिर हिस्ट्री लेनी है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन है, बीपी मेजर करना होता है, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, एब्डोमिनल मेजरमेंट करनी है यूट्रस के साइज को देखने के लिए, कुछ स्कार वगैरह तो नहीं है, बीएमआई को कैलकुलेट करना, और यूरिन डिपस्टिक टेस्ट है, और फिर इन्वेस्टिगेशन करानी है। बुकिंग इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है, वो आपकी सीबीसी आ गया, ओके, मिड स्ट्रीम यूरिन आ गया, इसके बाद आपका आरएच स्टेटस आ गया, ब्लड ग्रुपिंग आ गया, हीमोग्लोबिनोपैथी की स्क्रीनिंग आ गया, इन्फेक्शन की सीरोलॉजी वाला आ गया, और लास्ट में डेटिंग स्कैन आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, फ्रंटल हाइट इज अप टू द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के लेवल तक आ जाती है 20 वीक्स तक, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बुकिंग इन्वेस्टिगेशन हुई भी है, एक फीमेल है 38 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविड है, उसको 24 वीक से कैसे डिफरेंशिएट करेगा, ओके, यानी क्या क्या डिफरेंस हो सकती है। जितना ज्यादा माँ की एज बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा क्रोमोसोमल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट बढ़ता रहेगा, प्लेसेंटल ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ओके, मेल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है, प्रीक्लैम्पसिया और डिसफंक्शनल लेबर आपको देखने को मिल सकता होता है, बुकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सारी हुई भी है, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ओके, अदर बुकिंग इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, RBS आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, बेस्ट टाइम फॉर डेटिंग स्कैन, जो डेटिंग स्कैन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन वाला, ये होता है 11 टू 14 वीक्स में, जबकि नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 हफ्तों में होता है, ओके। अब इसके मेन फायदे क्या होते हैं, नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 होता है, ओके। तो जो डेटिंग स्कैनर्स के फायदे क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, नंबर वन, प्रेगनेंसी की वायबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर टू, जेस्टेशनल एज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर थ्री, फीटल के साइज और ग्रोथ को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। एज कैसे निकालोगे, जेस्टेशनल एज अल्ट्रासाउंड से आप क्राउन रंप लेंथ देखते होते हैं, इसके अलावा हेड सर्कमफेरेंस भी देखते होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा, कोई फीटल एबनॉर्मैलिटी है उसका पता लग जाएगा, प्लेसेंटा का लोकलाइज कर लोगे आप, प्रीवियस तो नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड के असेसमेंट कर लोगे, और फीटल वेलबींग के असेसमेंट कर लोगे। जो नॉर्मली स्कैन होता है इससे आप स्पाइनल बायफिडा निकाल सकते हो, हाइड्रोसेफलस निकाल सकते हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एकोन्ड्रोप्लेजिया, एक्सोमफैलोस, गैस्ट्रोशाइसिस, यानी आपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, तो पहले हाइड्रोसेफलस आ जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा, एकोन्ड्रोप्लेजिया आ जाएगा ट्रंक का, एब्डोमन के अंदर एम्फैलोसील गैस्ट्रोशाइसिस है, लेफ्ट लिप पैलेट भी आ जाएगा, ओके, और लास्ट में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। अब डेटिंग स्कैन की डेफिनेशन क्या होती है, डेटिंग स्कैन ऐसा स्कैन है जिससे आप एग्जैक्ट ईडीडी निकाल लोगे और जेस्टेशनल एज भी निकाल लोगे। ईडीडी कैसे निकालोगे, 9 महीने और 7 दिन ऐड कर लोगे, ओके। बेस्ट टाइम होता है 11 टू 14 वीक्स में होता है, और जो अनॉमली स्कैन होता है 18 से लेकर 22 हफ्ते पे कराते होते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ एंटीनेटल एग्जामिनेशन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया, ये एग्जामिनेशन का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एब्डोमिनल मेजरमेंट होती है, सर्जिकल स्कार मार्क को देखना है, बीएमआई वगैरह को देखना होता है। अब एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइंस, WHO के मुताबिक तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइस के मुताबिक तो कुछ हो रहा है, ओके, ठीक है। पहला तो बुकिंग विजिट हो जाएगा, ओके, अगर 15वें हफ्ते पे तो पहला हो जाएगा, ओके, एज सून एज पॉसिबल, जिसमें डेटिंग स्कैन कर लेंगे, फिर 16 पे लेके आएंगे, फिर 18 से लेकर 22वें पे आपका नॉर्मली स्कैन आ जाएगा, ओके, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40 वीक्स और 41 वीक्स, बड़े अजीब तरतीब है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, अब कजन मैरिज है, कजन मैरिज में आप कौन से 3 इंपॉर्टेंट चीजें स्क्रीन करते हैं, थैलेसीमिया को, डाउन सिंड्रोम को, ओके, और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज को करते होते हैं, और डीडीज क्या हो गए, ओके, अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ पड़ा है, प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन होता है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ डेटिंग स्कैन वही है कि वायबिलिटी के लिए, जेस्टेशनल एज के लिए, ईडीडी निकालने के लिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी को देखने के लिए, फीटल वेलबींग को चेक करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करने के लिए करते होते हैं, ओके। इसके बाद प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आ जाते हैं, ओके, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके, 2 तरह के होते हैं, इन्वेसिव होते हैं, नॉन इन्वेसिव होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव दोनों के अंदर आ जाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि 18वें हफ्ते पे प्रेगनेंसी पे कौन सा स्कैन होता है, वो नॉर्मली स्कैन होता है, ओके। अब क्यों कराएगी नॉर्मली स्कैन, नंबर वन, जेनेटिक एनोमली को रूल आउट करने के लिए, ओके, नंबर टू, सेक्स को डिटरमिन करने के लिए, नंबर थ्री, लाइकर की एडिक्यूसी को चेक करने के लिए, नंबर फोर, फीटल की पोजीशनिंग और ब्लड सप्लाई को चेक करने के लिए, ठीक हो गया। मेनली नॉर्मली स्कैन है तो नॉर्मली इसको चेक करने के लिए होता है, और ये रिपीट कराते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे, जो कि 28वें हफ्ते पे कराते होते हैं, रिपीट कराते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, एमनियोसेंटेसिस करवाई, एमनियोसेंटेसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एमनियोसेंटेसिस की कॉम्प्लिकेशन, ओके, जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो तो मिसकैरेज होता है, चाहे एमनियोसेंटेसिस और CVS है, या फिर आपका वो होता है क्या होता है CVS कॉर्डोसेंटेसिस,
ओके, तो कोरियोमेनिटिस की तो कॉम्प्लिकेशन है, उसका निमोनिक होता है सीपीआर होता है। नंबर वन कोरियोमेनिटिस है म्यूसेंटेसिस की, सॉरी कोरियोमेनिटिस है। नंबर टू प्रॉम हो सकता है। नंबर थ्री आरएच आइसोमिनाइजेशन है। फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, लाइक ट्रॉमा हो सकता है फीटस को, मिसकैरेज हो सकता है, फीटो मैटरनल हेमरेज है जिसकी वजह से हो जाएगा। अल्टरनेटिव प्रोसीजर एम्नियोसेंटेसिस का वो सीवीएस है, लेकिन उसमें और ज्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा है, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा है, 2% होता है। अब इंटरवेंशन है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म कराने से पहले आपने क्या करना है, मदर को इनकरेज करना है कि वट एक्शन शी वुड टेक और क्या फील करेगी अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। और पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना है कि ये टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट था, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं था, अगर ये पॉजिटिव आ भी गया तो खैर है, ठीक है। नंबर टू, इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अगर इनकी एक्यूरेसी को रिफाइन कर दे तब रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एक्यूरेसी को रिफाइन करने के लिए नेजल बोन और फ्रंटो मैक्सिलरी नेजल एंगल ये ऐड करना होता है। नंबर थ्री प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते होते हैं, बड़ा अच्छा ऑप्शन हमने बताया वैसे, इससे उठा के मारेंगे वो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, फीटल एबनॉर्मैलिटीज के बारे में कंसर्न है फीमेल, तो कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए गए, तो ओके, तो मेनली डाउन सिंड्रोम के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट को दो में डिवाइड करना है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव के अंदर जो अल्ट्रासाउंड होता है इन्वेसिव भी और स्क्रीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपका ये आ जाएगा, यानी पहला तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट दो डिजीज का कराई गई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का और डाउन सिंड्रोम का। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फीटो प्रोटीन और डाउन सिंड्रोम के द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड से न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक करते हैं, इसके अलावा बीटा एसजी और पैपे चेक कराए गए। सेकंड ट्राइमेस्टर के द अल्फा फीटो प्रोटीन बीटा एसजी एन कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और इनहिबिन ऐड कर देंगे। क्वाड्रपल टेस्ट कराए गए। इन्वेसिव टेस्ट में सीवीएस एम्नियोसेंटेसिस कोल्डोसेंटेसिस, तो आप सारे टेस्ट बता दे रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा और फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के लिए नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से होते हैं, नॉन इन्वेसिव। तो नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टेस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, बीटा सीजी, पैपे, बीटा सीजी, अल्फा फीटो प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और इनहिबिन आ जाएगा। इन्वेसिव के अंदर आपका सीवीएस एम्नियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस है। सीवीएस में 2% होती है, एम्नियोसेंटेसिस में 1% होता है, कॉर्डोसेंटेसिस के अंदर 2 से लेकर 5% होता है। और आरएच आइसोइमिनाइजेशन भी हो जाएगा, फॉर्म भी हो सकता है इनकी वजह से। इनके बेनिफिट है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट है 10 वीक्स, तो ये आपका सीवीएस आ जाएगा, ऑलमोस्ट ईवी हो जाएगा सारा। ओके, मेटरनल मार्कर्स ये भी सारे डिस्कस हुए हैं, क्वाड्रपल भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी के लिए करते हैं, 6 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो ये नॉर्मल होती है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सीवियर इंट्रैक्टेबल फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग है, उसको बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से वेट लॉस हो जाएगा, मसल की वेस्टिंग हो जाएगी, हेमाटोमेसिस होगा, एमिलोरी बेस्ड सिंड्रोम हो सकता है, वर्निकेज एनसेफलोपैथी हो सकती है, वॉमिटिंग की वजह से B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सीवियर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेट हुई पड़ी है, तो ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। तीन हार्मोन की वजह से बीटा सीजी की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, थायरोक्सिन की वजह से। ओके, तो इसके जो कॉजेस के रिस्क फैक्टर होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, मॉडल प्रेगनेंसी या प्रीवियस प्रेगनेंसी या फैमिली हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। इवैल्यूएशन के अंदर पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, डिहाइड्रेशन के साइन को चेक कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले यूरिन एनालिसिस चेक कराएंगे टू डिटेक्ट द कीटोन बॉडीज। मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट चेक कराएंगे टू चेक द यूटीआई। सीबीसी के अंदर हेमाटोक्रिट बड़ा होगा क्योंकि प्लाज्मा लॉस हो रहा है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट सारे कम हुए पड़े होंगे वॉमिटिंग की वजह से। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। एलएफटीज के अंदर ट्रांसमाइन इसका लेवल ज्यादा देखने को मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड रीअश्योरेंस के लिए करते हैं, मल्टीपल और मोलर प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। ओके, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, नील पर ओरल करेंगे, आईवी लाइन देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, एनएसीएल और हार्टमेंट देंगे। ओके, डेली यूरिया इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करेंगे, पोटेशियम को रिप्लेस करेंगे, फिर एंटीमाइटिक ड्रग यूज करेंगे। सबसे पहले प्रोमेथाजीन, पहले डॉक्सालामीन और पिरिडॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रोमेथाजीन है, फिर मेटाक्लोप्रामाइड है जो कि सेकंड लाइन के अंदर आता है, प्रोक्लोर, पैराजिनो, मेटाक्लोप्रामाइड, फिर थायमिन के सप्लीमेंट दे दिया, और अगर से ठीक नहीं हो रहा तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। ओके, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं, बी वन की डेफिशिएंसी हो सकती है, के की डेफिशिएंसी है, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेमाटोमेसिस और मिलोरी बेस सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। और तीन हार्मोन की वजह से होता है, बीटा एसजी, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन की वजह से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वाला है चैप्टर। ओके, तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर बेड रिडन हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, पास्ट हिस्ट्री मिलती है रिसेंट सर्जरी की, यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज टेम्परेचर, ये तो आपको मेडिसिन के अंदर भी पढ़ा था।
प्रेगनेंसी के अंदर बेड रिडन की वजह से मिल सकती है। अब इसके फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, अगर इमोबिलिटी होगी तो वीनस स्टेसिस होगी लोअर लिम के अंदर, वेट गेन होने की वजह से डीवीटी हो सकता है। नंबर थ्री, कोगुलेशन सिस्टम के चेंज होने की वजह से कि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोकोगुलेंट बढ़ जाते हैं, एंटी कोगुलेंट कम हो जाते हैं, लाइक प्रोटीन एस नहीं होगा, फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगी, एंटी कोगुलेंट नहीं होगे, जबकि प्रोकोगुलेंट 8, 9, 10 ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, आई थिंक मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, दूसरा मोबाइल की चार्ज ऑन करनी पड़ेगी। ओके, सही है। अब प्रेगनेंसी के अंदर 8, 9, 10 और ये फिब्रिनोजन बढ़ जाता होता है और एंटीकॉगुलेंट प्रोटीन एस, प्रोटीन सी और एंटीथ्रोबिन 3 काम हो जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके, अब क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसका निमोनिक है सैप, ओके, सेप्टिसीमिया, असेंडिंग इन्फेक्शन और पायलोनेफ्राइटिस, ओके, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, और फीटर में मिसकैरेज हो सकता है। और इसकी मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, पहले सीबीसी लोगे, मिड स्ट्रीम यूरिन लोगे, सिप्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए यूरिन डिपस्टिक है, चार चीजें चेक करोगे, प्रोटीन को, ब्लड को, नाइट्राइट्स को और ग्लूकोसाइट को, यूरिन का कल्चर कराओगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओगे। मैनेजमेंट के अंदर एंटीपायरेटिक्स हैं, एनर्जेसिक्स हैं, फ्लूइड की इंटेक को बढ़ाएंगे, ओरल एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक, सेम मेडिसिन वाली मैनेजमेंट लिखी हुई है, अमोक्सिलिन, सिफ्लेक्सिन इस्तेमाल कर लोगे। ओके, सिप्रोफ्लोक्सासिन ना देना शुरू कर देना प्रेगनेंसी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है फीटल मैल प्रेजेंटेशन एट्रम है। ओके, ठीक है। ट्रांसवर्स लाई ऑफ प्रोलैप्स हैंडल, ट्रांसवर्स लाई ऑफ प्रोलैप्स हैंडल, इसके लिए सी सेक्शन आपने करना होता है। अब एक्सटर्नल की फैलिक वर्डियन आपने नहीं करना होता। ओके, ठीक हो गया। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कंसेंट लेंगे और सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे, एनल्जीजिया देंगे, ओके, वाइटल्स को मेंटेन करेंगे और फिर पेशेंट को पोस्ट ऑप मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया, कंसेंट, एनल्जीजिया, मॉनिटर, वाइटल्स आ जाएंगे। इसके बाद वाट इस एक्सटर्नल की फैलिक वर्डियन 37 वीक पे करते हैं ब्रीच के लिए। तो एक्सटर्नल की फैलिक वर्डियन एक वो मेथड है जिसमें आप ब्रीच को या ट्रांसवर्स पोजीशन को मैनुअली कन्वर्ट करते हैं कि फैलिक के अंदर 37 करते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ईसीवी की। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है जो ऑलमोस्ट 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 जो ब्रीच की रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसी में आप नहीं करोगे आप, ओके, एंड कैफली के अंदर नहीं करते जिसमें आपको हाइड्रोसेफलस देखने को मिल सकता होता है। ओके, इसके अलावा पोलीहाइड्रोमनियास में नहीं करोगे, प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं करोगे, प्रीवियस सी सेक्शन की हिस्ट्री है, प्रीक्लैम्पशिया में नहीं करोगे, या प्लान टू डिलीवर बाई सी सेक्शन एनी वे। ठीक है, अब रिस्क ऑफ ईसीवी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, प्लेसेंटल अब्रप्शन है, कॉर्ड एक्सीडेंट हो सकता है, प्रॉम हो सकता है, फेटल ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, उसके अलावा ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज हो सकता होता है। ओके, ब्रीच डिलीवरी के लिए क्या क्या आप कैसे मैनेज करेंगे ब्रीच डिलीवरी के लिए। ओके, ब्रीच के लिए मेन तो सी सेक्शन होता है, बाकी एक्सटर्नल की फैलिक वर्डियन और वजाइनल ब्रीच डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब प्री रिक्विजिट फॉर ईसीवी, तो ईसीवी के लिए आपको एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, ईसीवी को आपके लिए आपको टोकोलिटिक्स चाहिए होती है, पेशेंट की लेफ्ट लैटरल पोजीशन बनानी होती है, प्रोसीजर को आपने 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखना होता, फिटल हार्ट रेट की ट्रेसिंग करनी है, सीटीजीसी और एनटीडी देना होता है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, तो प्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड होने चाहिए या फ्लेक्स होने चाहिए, फुटलिंग में कभी भी नहीं करना, एक्सटेंडेड का मतलब है फ्रैंक है, फ्लेक्स का मतलब होती है सिंपल फ्लेक्स ब्रीज है। नंबर टू, फीटो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, ओके, यानी पेल्विस एडिक्वेट होना चाहिए, फीटस का वेट 3.5 से कम होना चाहिए। नंबर थ्री, जो फीटल हेड है उसकी हाइपर एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, ओके, या सीवियर हाइड्रोसेफलस नहीं होना चाहिए, और लास्ट में स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए लेबर का। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, हेड इंगेज नहीं था बल्कि हेड आपको फंडस में मिल रहा है विद अ लॉन्गिट्यूडनल लाई, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। डिलीवरी से पहले ईसीवी कराते होते हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी की क्या हो सकती है, फीटल कॉम्प्लिकेशन, बेबी स्ट्रक हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेस हो सकता है, और इसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन, जिसको इम्यून हाइड्रोप्स या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, जिसमें इंटरैक्ट कॉम टेस्ट पॉजिटिव होगा, मां नेगेटिव होती है और जो बच्चा होगा वो पॉजिटिव होगा, आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सबसे पहले आप इंटरैक्ट कॉम टेस्ट कराते होते हैं, ओके, फॉर एंटीबॉडीज के लिए, ओके, सही है। बाकी जीनोटाइपिंग कराओगे, ब्लड ग्रुपिंग की, फीटल आरएच स्टेटस मालूम करोगे, कैसे मालूम करोगे, एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस से सैंपल होगी और पीसीआर कराते होते हैं। ओके, तो इंटरैक्ट कॉम टेस्ट आपने परफॉर्म करा लिया, जीनोटाइपिंग करा ली, ओके, फीटल आरएच स्टेटस मालूम कर लिया आपने, और लास्ट में जो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है किसकी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की, तीन आर्टरी की आप डॉपलर लेते होते हैं, ओके, एक तो आपका मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, और तीसरा आपकी यूट्राइन आर्टरी होती है। तो जो पीक सिस्टोलिक आर्टरी होती है, जो यूट्राइन आर्टरी है ना, इसके डॉपलर लेते होते हैं प्रीक्लैम्पशिया के अंदर, जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का जो डॉपलर होता है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होती है वो आप लेते होते हैं आरएच के अंदर। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का।
और जो अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर होता है वो आपने बताना है। ओके, इसके बाद है कि एनटी डी के लेवल को चेक करते होते हैं। ओके, अगर एनटी डी अगर 4 से कम है तो हिमोलिटिक डिजीज नहीं है, अगर 15 से ज्यादा किया है तो हाई रिस्क है इसके होने के। अब मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ओके, मैटरनल मैनेजमेंट है, अगर 20 वीक से कम किया तो आपने क्लियर टेस्ट परफॉर्म कराना होता है, रिजल्ट को पेंडिंग कराना होता है, और आपने 500 इंटरनेशनल यूनिट की डोज देनी होती है विद इन द 72 आवर। ओके, इसके बाद फीटल मैनेजमेंट है, फीटल मैनेजमेंट में अगर 18 से लेकर 35 का है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने देनी होती है। ओके, ठीक है, अगर हिमाटोक्रेट इतना ज्यादा कम हो रहा है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे दोगे, अम्बिलिकल वेन में दोगे, इंट्राहेपेटिक वेन में दोगे, या पेरिटोनियल कैविटी में, या फीटल हार्ट में चले जाओगे। अगर 35 से ज्यादा किया तो डिलीवरी करोगे। पोस्ट नेटल में अगर एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर जॉन्डस है तो फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। तो मैटरनल मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा कि अगर 20 वीक से कम है तो आपने क्लियर टेस्ट परफॉर्म कराना होता है, 500 आपने देने होते हैं इंटरनेशनल यूनिट। बेबी के अंदर अगर 18 से लेकर 35 है तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। अगर हिमाटोक्रेट 30 से कम है या आरएच नेगेटिव है, ओके, तो साइटोमेगालो वायरस तो आपने क्या देना है, ओके, आरएच नेगेटिव साइटोमेगालो वायरस नेगेटिव पैक आरबीसी देने है एम्बिलिकल वेन में, या इंट्राहेपेटिक वेन में, या पेरिटोनियल कैविटी में, या फीटल हार्ट में। ओके, इसके बाद अगर पोस्ट नेटल में एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बिलिरुबिन ज्यादा है तो फिर फोटोथेरेपी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। इसके बाद फिजियोलॉजी एक्सप्लेन किया है कि ओके, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है मैटरनल एंटीबॉडी की टू द फीटल सर्कुलेशन, इनकम्पैटिबिलिटी होती है। प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, 28वें और 34वें हफ्ते के अंदर एंटीडी देते होते हैं या सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एक्टेड बेबी। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है किसकी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की। मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम होगा, एनीमिया हो जाएगा, प्रीक्लैम्पसिया होने के चांसेस ज्यादा है, जीडीएम पॉलीहाइड्रोमनियास होगा, प्रीविया एपीआर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और ये जबकि फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस जो कि मोनोकोरियोनिक में होता है, मिस कैरिज होगा, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होती है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, आईयूजीआर हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती होती है। एंटीनेटल मायर्स क्या होते हैं, ओके, ऑब्स्टेट्रिक्स तो आ जाएगी मैटरनल और फीटल। एंटीनेटल मायर क्या होते हैं, आपने डायबिटीज को चेक करना होता है, हाइपरटेंशन को चेक करना होता है क्योंकि हो सकता है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज को, कोरियोनिसिटी को चेक करना होता है, फीटल ग्रोथ को चेक करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीनेटल और पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन। एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन तो होगी मल्टीपल प्रेगनेंसी की, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम पड़ लिया, ओके, मैर के अंदर एनीमिया हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा एनीमिया की वजह से, जीडीएम पॉलीहाइड्रोमनियास हो जाएगा। ओके, जबकि यहां पर क्या होगा, इसका निमोनिक होता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में प्यूपा। ओके, अभी पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, प्यूपा, पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन एटोनी, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस, एनीमिया। ओके, क्योंकि फीटस में क्या होगा, फीटस में कॉन्जेनिटल डिजीज काफी ज्यादा होते हैं। ओके, इसका निमोनिक होता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जीआईटी ट्यूब, जीआईटी और टी से वैसे हार्ट से रट्टा मार लो, और क्रोमोसोमल डिफेक्ट के अंदर डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, अब मैनेजमेंट इन मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो मैनेजमेंट क्या होता है, अगर फर्स्ट ट्विन ब्रीच है तो हमेशा अपने लोअर सेगमेंट सी सेक्शन करना होता है, पहले कंसर्न लोगे, प्रिपेयर करोगे, वाइटल्स को मेंटेन करोगे, मैनेज करोगे पोस्ट ऑप के लिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ट्विन लेबर, अब यहाँ पर इसको रट्टा कैसे मारना है, जब भी अगर पहला ट्विन की फैनिक होगा ना, पहला ट्विन की फैनिक होगा, अपने उसको हमेशा वजाना से एसवीडी से डिलीवर करना होता है। लेकिन अगर दूसरा ट्विन अगर ब्रीच है या ट्रांसवर्स है तो उसको आपने, अगर ट्रांसफर्स है तो इंटरनल पोर्टालिक वर्जन करना होता है, या दूसरा ट्विन जैसा मर्जी है, लेकिन पहला अगर ब्रीच हो गया तो उसको भी आपने कैसे करना होता है, सी सेक्शन से डिलीवर करना होता है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिपल टेस्ट स्क्रीनिंग होती है डाउन सिंड्रोम में, बीटा सीजी अल्फा फीटो प्रोटीन होता है और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल होता है, ठीक हो गया। न्यूक्लियर ट्रांसलेसेंसी डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है, 6 मिलीमीटर से ज्यादा की होती है। मैनेजमेंट और ट्विन प्रेगनेंसी विद फर्स्ट ब्रीच तो लोअर सेगमेंट सी सेक्शन करना होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रिवेंशन के लिए फॉलिक एसिड देते होते हैं 5 मिलीग्राम इन केस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक, अदरवाइज आप 400 माइक्रोग्राम देते होते हैं। बेस्ट पैरामीटर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ साइज इन अल्ट्रासाउंड तो एब्डोमिनल साइज को देखने के लिए एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है, एज को देखने के लिए तो क्राउन रैम सीआरएल होती है, सीआरएल। ओके, अम्बिलिकस तक 20 वीक्स पे जाती होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है। नॉस्ट काल में एमनियोटमी तो यूट्रन हाइपरस्टिमुलेशन ही होता है। लॉबस्टक मिनोवर ये ब्रीच के लिए होता है, पिनार्ड और मॉरिशियस मेलीवीट मिनोवर ये भी उसके लिए होता है। अल्फा बीटा प्रोटीन एड्रिनल हाइपोप्लेजिया में नहीं बढ़ती होती है, अल्फा बीटा प्रोटीन कम होती है किसके में, डाउन सिंड्रोम में, और ज्यादा किसमें होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। ओके, बाकी एलएमपी अगर ये तो निकालोगे, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मोलर प्रेगनेंसी में होती है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, 25% ट्रांसमिशन रेट है, सीवीएस आपने 10 हफ्तों से पहले नहीं करना, 11-15-20 को रट्टा मार लो, आरएच नेगेटिव एंटीडी प्रोफाइलेक्सिस देते हैं 28वें और 34वें हफ्ते के अंदर या सून आफ्टर द डिलीवरी विद इन द 72 आवर, वजाइनल डिलीवरी इन ट्विन प्रेगनेंसी, अगर दोनों ट्विन है तो फैलिक प्रेजेंटेशन है तो फिर वजाइनल डिलीवरी करेंगे। डेटिंग स्कैन 11-14 है और नॉर्मली स्कैन आपका 18-22 तक होता है। प्रोफाइलेक्सिस विल बी गिवन इन आरएच नेगेटिव, जब माँ आरएच नेगेटिव और बेबी आरएच पॉजिटिव है। वुमेन विद ट्विन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी में लैम्डा और टी साइन आता है तो उसकी कोरियोनिसिटी को देखने के लिए 10 वीक अल्ट्रासाउंड लेंगे।
माइल्ड ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, मेब्रेन नजर आ रही है, डेट मीन्स इनकम्प्लीट मिसकैरेज है। आरएस नेगेटिव है, हर ब्लड ग्रुप अनमैच विद द हस्बैंड है। तो एनटीटी आपने 28वें हफ्ते पे देना होता है और 34वें पे भी देना होता है। ब्रीच का जो इंसिडेंस है वो 3 से लेकर 4 होता है। पीक एलमडस एंड डाइकोनियोटिक डायमियोटिक में देखने को मिलता होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी और ट्वीन प्रेगनेंसी, तो ये लैम्डा साइन देखने को मिलता है। 400 माइक्रोग्राम आपने देना होता है अंटिल 12 वीक्स अप टू 20 वीक्स। तो अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है एक्सपेक्टेड एज ऑफ डेट ऑफ प्रेगनेंसी को देखने के लिए। गैस्ट्रोशाइसिस के लिए अल्ट्रासाउंड कराते होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम, जिसमें वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी है। बाकी प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट, बेबी पैदा हो सकती है। 11 वीक पे आपने सीवीएस कराना होता है। ओके ब्लीडिंग को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड होती है। प्रीवियस मिसकैरेज है तो आपने आरएस स्टेटस को जरूर चेक करना है, बिकॉज फीटो मेटरनल हैमरेज हो सकता है, सेंसिटाइजेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर है। डेटिंग स्कैन 11 टू 14 में करते हैं, नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 में करते हैं। सेकंड ट्वीन अगर ट्रांसफर्स है तो आपने इमरजेंसी सेक्शन करना होता है, अदरवाइज आप इंटरनल पोडालिक वर्जन भी कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 5 आपको मिनिमम एंटीनेटल विजिट चाहिए 10, 20, 28, 36 और 40 पर। चांसेस ऑफ फीटस डेवलपिंग थैलेसीमिया मेजर, तो 25% होता है। मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच विद नो रिस्क फैक्टर, ओके तो एक्सटर्नल की फैलिक वर्जन करेगा अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ओके नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन ट्विन प्रेगनेंसी, पहला डिलीवर हो गया लेकिन सेकंड ट्विन ब्रीच और डिसेलरेशन है तो इमरजेंसी सी सेक्शन करना है। अर्लीस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम, तो अर्लीस्ट आपका सीवीएस होता है। बेस्ट टेस्ट डन अराउंड 11 वीक्स फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, तो सीवीएस होता है। एमनियोसेंटेसिस 15 पे करते हैं, कोडोसेंटेसिस 20 वीक पे करते हैं। डेटिंग स्कैन 11 टू 14 है, नॉर्मली स्कैन 18 से लेकर 22 पे करते होते हैं। ओके ठीक है, ओके तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म डिलीवरी या प्री मेच्योरिटी होता है। पीक लैम्डा साइन आपको देखने को मिल सकता होता है, टी साइन देखने को मिल सकता है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक में होता है। थैलेसीमिया मेजर की ट्रांसमिशन रेट 25% होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए 400 माइक्रोग्राम होता है। एंटी एपिलेप्टिक के अंदर 5 मिलीग्राम देना होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ जाता है और डाउन सिंड्रोम में कम हो जाता है।